बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मेरे साथ हैं सबर भाई। और जैसा कि आप मेरी पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि मैं तसवर के गांव में आया हुआ था, तो तसवर ने कहा कि दोस्तों के साथ क्यों ना हमारे गांव के कुछ खेत वगैरह और टिब्बे शेयर किए जाएँ दोस्तों के साथ। तो मैंने कहा क्यों नहीं भाई, लाजमी। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज़ आपने व्लॉग को एंड तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग व्लॉग को। तो फ्रेंड्स, ये हैं तसवर भाई के खेतों में जो टिब्बे वगैरह। तो मैं जैसा कि आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे इलाके में पहाड़ तो नहीं हैं, लेकिन पहाड़ों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो फिर ये जो टिब्बे हैं यही हमारे काम आते हैं। ये भी कहीं पहाड़ों से कम नहीं हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा कम ऊँचा है। वो सामने देखिए वो कितना ऊँचा है। तो वहाँ पर चलते हैं और आगे भी आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह। जब अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो बहुत जल्द आप लोगों को जो रियल में पहाड़ है वो भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल प्लान बना रहे हैं। और इसके अलावा ये देखिए फ्रेंड्स, कैसा नज़ारा है दूर दूर तक। जो ये खेत हैं वो बिल्कुल हरे भरे नज़र आ रहे हैं। और ये देखिए ऐसे वो दूर दूर तक, वो जो गलबन वो सिदनाई महल सी बहावल लिंक जा रही है नहर उस तरफ। तो आगे लेके चलता हूँ हम दोस्तों को थोड़ा सा दौड़ कर। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी यहाँ से नीचे उतरना मुश्किल लग रहा है, ऐसा है रास्ता ये। तो एहतियात के साथ ज़रा नीचे उतरते हैं। या अल्लाह, खैर एकदम जैसे कहते स्पीड लग जाती है। और ये देखिए फ्रेंड, ये बिल्कुल रेत है यहाँ पे। और इन टिब्बों की खासियत पता क्या है, यहाँ पे बटेरे बहुत ज़्यादा हैं। जो लोग शिकार के शौकीन हैं ना, उनको इस तरह के इलाके बहुत ज़्यादा पसंद हैं। जो रेत वाले टिब्बे होते हैं ना, तो वहाँ पर बटेरे बहुत ज़्यादा होते हैं। शिकारी लोग आते हैं उधर, अपना शिकार करते हैं। शायद हमारी किस्मत में अगर हुआ तो कोई मिल जाएगा, लेकिन कन्फर्म नहीं कह सकते कि कोई बटेरा है इस इलाके में, क्योंकि पहले शिकारी यहाँ से तकरीबन एक हफ़्ता पहले होके जा चुके हैं इधर से। यार पाँव ना रेत के अंदर धंस रहे हैं, तो ज़ोर लग रहा है, आपको महसूस हो रहा होगा मेरा सांस जो है वो काफ़ी ज़्यादा चढ़ चुका है मुझे सांस। ये देखिए, ये ऐसा मंजर है रेत का जो। और फ्रेंड्स, यार मेरे तो नए शूज़ हैं वो भी गंदे हो गए हैं रेत के अंदर। अपने जिस तरह कहते ना स्पेशली व्लॉगर भाइयों को बहुत ज़्यादा आज मिस कर रहा हूँ कि काश वो भी मेरे साथ होते तो वो भी इन मनाज़र को कैप्चर कर सकते। ये देखिए, वाह यार, बिल्कुल पांव धंस रहे हैं। इट्स हाइकिंग टाइम गाइज़।
वो पहाड़ों वाला जो है ना वो फीलिंग आ रही है पहाड़ों वाली। वाह यार फ्रेंड, मैं आपको दिखाता हूँ कि जो रेत है ये कैसी है। ये देखिए फ्रेंड, ऐसी है ये रेत, और ऐसे हैं ये टिब्बे रेत वाले जिनके ऊपर बटेरे वगैरह पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा, तीतर बटेर और एक होता है बटिटर, ये इस तरह के जो शिकारी जानवर हैं इन टिब्बों के ऊपर रहते हैं। ओहो बहुत ज़्यादा सांस चढ़ चुकी है यार, इतना ऊंचा था कि बयान नहीं कर सकता यार, बहुत ऊंचाई है इसकी। ये देखिए ये ऐसे हैं ये टिब्बे, ये जो झाड़ियाँ हैं ये छोटी हैं लेकिन इनके अंदर वो छुपकर बैठे होते हैं। अभी फ़िलहाल तो यानी कि इनका सीज़न ख़त्म हो गया है, यानी कि एक माह पहले या गर्मन कुछ हफ्ते पहले शिकार जो है वो अरूज पर था। आप गैस कर लीजिए, ये देखिए मैं कितना ऊंचा आ गया था, वो दूर खड़े हैं तसव्वुर और उसके जो दोस्त हैं। ये देखिए इन झाड़ियों के अंदर भी हो सकते हैं, अभी फ़िलहाल नहीं है। ये बड़ी सारी झाड़ी है, इसके अंदर भी शायद हूँ। तो अभी वापस चलता हूँ दोस्तों के पास। सो इट्स टाइम टू बैक। सो फ्रेंड, अगर ये छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और अगर हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि नीचे रेत बहुत ज़्यादा है तो पाँव फिसल रहे हैं, तो शेयर तो बनता है यार। तो और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी कर दीजिए, और जो लास्ट में गुजारिश करूँगा छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि जो इस तरह के इंटरेस्टिंग व्लॉग्स और जो तारीखी मकामात की जो वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आप दोस्तों के साथ शेयर करता रहूँ, ताकि आप कोई भी मेरा यानी कि ना वो व्लॉग का नोटिफिकेशन मिस ना कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ किसी नए व्लॉग में, अगर ज़िंदगी रही तो किसी इंटरेस्टिंग व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़ नासर।